हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेजी बॉय। कल हम लोग अनार वर्सेस ग्लास का टेस्ट किए थे, तो उसमें ग्लास तो बिल्कुल पिघल गया था कम्प्लीटली। तो आज हम एक नया टेस्ट लेके आए हैं और थोड़ा ग्लास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये है, आप देख सकते हो, गेट सीट है, बिल्कुल न्यू सीट है, कहीं भी कुछ भी खरोच नहीं है, आप इसमें देख सकते हो। तो आज हम इसी को टेस्ट करने वाले हैं कि ये पास कर पाएगा या फिर नहीं, ये अनार को झेल पाएगा या नहीं। मुझे तो भरोसा है इस स्टील पे, क्योंकि ये स्टील बिल्कुल गेट वाला है, गेट इसी स्टील से बनता है। आप इसका मोटाई भी देख सकते हो, कितना मोटा है ये। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये पास कर पाता है या नहीं इस टेस्ट को। रेडी है कैमरा? ओके। तो गाइज, अभी हम इसमें टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये झेल पा रहा है या फिर नहीं। फिर से ट्राई करके देखते गाइस एक बार वापस से। ये जल रहा है, देखते हैं क्या होता है इसका। यार इतने पावरफुल हम सोच नहीं सकते। क्लोज क्लोज दिखाइए, क्लोज दिखाइए यार। ये गेट का वाला सीट है, गेट वाला सीट है, आप देख सकते हो इसका क्या हालत हुआ है यार। बिल्कुल आर पार छेद हो गया है। पानी है क्या? पानी आसपास? पानी नहीं है गाइस, देख सकते हो यार। पता है ये गेट वाला सीट है और इसका ये हालत है। थोड़ा क्लोज दिखाइए इसको यार, बिल्कुल। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी आप इस सीट का हालत देख सकते हैं, ये पूरा हॉट है अभी। क्लोज एक और वापस से दिखाइए, इसमें बिल्कुल आर पार छेद हो चुका है कम्प्लीटली। यार मुझे बिलीव था इस सीट पे। चलो कोई नहीं भाई, वैसे भी ये बिल्कुल हाई फ्लेमेबल होता है, सो प्लीज़ आप लोग घर के अंदर इसको कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है घर के लिए। और आप देख सकते हो ये इतने स्ट्रॉन्ग, इससे गेट बनता है यार, आई एम नॉट किडिंग। आप देख सकते हो इसमें आर पार बिल्कुल छेद हो चुका है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।